ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज राज्य सरकार तक पहुंचाने पिछले 21 दिनों से हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिलाओं ने मानवता की मिसाल पेश की है। अपनी सहयोगी आंगनबाड़ी महिला के आकस्मिक निधन हो जाने पर दुर्ग जिला स्तर पर सभी ने सहयोग राशि जमा की है। हर बार की तरह इस बार भी 2023 का पहला नेशनल लोक अदालत का शनिवार को दुर्ग न्यायालय परिसर में शिविर आयोजित किया गया। इसमें सभी पेंडिंग प्रकरणों के साथ ही नए मामले रखे गए। इसी कड़ी में अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा नीता जैन सहित अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने जिला ए व आंगनबाड़ी सहायिका व कार्यकर्ता संघ के बैनर तले लगातार पिछले 21 दिनों से 6 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, साथ ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे पूरे दुर्ग जिले स्तर से करीब 1500 की संख्या में महिलाएं दुर्ग के हिंदी भवन के सामने इकट्ठा होकर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रही है। इसी कड़ी में दुखद खबर मिलने से आंगनबाड़ी महिलाओं में और भी आक्रोश नजर आने लगा है। मामला खैरागढ़ परियोजना केंद्र रंग कथेरा में कार्यरत आंगनबाड़ी महिला पद्मा साहू का आकस्मिक निधन हो गया है, जो लगातार इस प्रदर्शन में शामिल होती रही है और अपनी पीड़ा राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती रही है। मांगे है, आज 22वां दिन है और जो हमारी मांगे है, कलेक्टर दर में कलेक्टर दर करो, नर्सरी शिक्षक का दर्जा दो, कम से कम ये दो मांगे तो हम अपनी पूरी कर दें। और ये जो दो मांगे हैं और बहनें जो हैं इतने उग्र होकर और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं, उस बीच हमारी एक बहन वहाँ पर 22 दिन से लगातार बैठी थी और उनका निधन हो गया। और संभवतः कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है और हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं गहरा आघात पहुँचा, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको परवरिश करने में कहीं ना कहीं तकलीफ थी। और मैं ये भी शासन से कहना चाहती हूँ कि जैसे वो बहन हमारे बीच आज नहीं रही, तो वैसे भी कितने ही हमारी यहाँ बहनें हैं जो बीमार हैं, जो गर्भवती महिला हैं, धात्री महिला, जिनके छोटे बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा शुगर है, बीपी से परेशान है, वो लोग भी कहीं ना कहीं मजबूरी बस यहाँ पर आके बैठे हैं। तो उस चीज़ की सरकार को, उन लोगों की सरकार को सुध लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारी आज दो बहनें कि यहाँ पर निधन हो गई है, और उनका भी उनको देखना चाहिए और आके हमारे पास उनको बात करना चाहिए, संवेदनशील होके हमारी मांगों के लिए सोचना चाहिए, बहनों के लिए सोचना चाहिए। हम आज हमारी बहन, कल उनका स्वर्गवास हो गया, तो हम चाहते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और हम दुर्ग जिला से यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम शोक सभा किए, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमारी सभी बहनों के द्वारा शोक सभा किया गया। उसके बाद हमारे जो बन पड़ा हमारी बहनें उनके लिए कलेक्शन करी हैं, ताकि हम उनके परिवार को जाके सहायता कुछ दे सके, क्योंकि यहाँ सरकार का हमारी बिल्कुल भी नहीं देख रही, न सूद नहीं ले रही, न यहाँ पर चर्चा नहीं कर रही, न बातचीत नहीं कर रही, यहाँ तक उनके शोक के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। आज हम 22 दिन हो गए हमारी सारी बहनें सड़क पर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी पहल नहीं की जा रही है, ना ही कोई निराकरण हमारे लिए किया जा रहा है। और ऐसे देखते देखते हमारी आर्थिक स्थिति भी हमारी जो खराब होने की स्थिति में है, क्योंकि हमारी दूर से जो बहनें आती हैं उनको रोज़ अपना बस का ट्रेन का किराया है वो देना पड़ता है, और साथ ही हमारी मानदेय भी अभी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम हड़ताल में हैं। और सरकार को अब ये सोचना चाहिए कि हम हड़ताल में हैं तो हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको गर्म भोजन नहीं मिल रहा है, वो और कुपोषण की ओर जा रहे हैं, और हमारी जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं उनको भी योजनाओं से जो लाभान्वित नहीं किया जा रहा है, तो स्थिति दर बदतर होते जा रही है। तो सरकार को अब बहुत ही विचारपूर्वक और संवेदनशील होकर हमारे बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, ना कि संवेदनहीन होकर वो बैठे रहे वहाँ पर। और रही बात हमारी एक बहने जिनका आज निधन हो गया है, बहुत ही दुख की बात है कि सरकार के द्वारा अभी तक उनके लिए कोई भी ऐसा संदेश नहीं है कि उस बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, घर है, परिवार है, और वो भी 22 दिन से हड़ताल में बैठी थी। एक दिन पहले वो हड़ताल में अच्छी खासी थी, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट चुकी थी सरकार का रवैया देख के, अचानक उसकी निधन हो गया, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। लगातार अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रही आंगनबाड़ी महिलाओं ने अपनी सच्ची संवेदना दिखाते हुए निधन हुई आंगनबाड़ी महिला पद्मा साहू के परिजन तक सहायता राशि पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इस दौरान धरना प्रदर्शन स्थल में ही सभी महिलाओं ने झोली फैलाकर अपना सहयोग मांगा, जिसमें लगभग कुछ 7,060 रुपए इकट्ठा हुए, जो और भी अभी महिलाओं से इकट्ठा करना बाकी है।
इस अवसर पर आंगनबाड़ी महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए राज्य सरकार व विभाग प्रमुख के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की है। इस संबंध में न्यूज टीम को पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बहन है जो कार्यकर्ता बहन है वो 21 दिन से कंटिन्यू यहाँ हड़ताल में आई थी और कल ही उस बहन का निधन हुआ है। उसको हम लोग यहाँ पे पूरा शांतिपूर्ण मौन धारण किए, उसके बाद हम लोगों ने उनके लिए जो भी सहयोग बना हमारे दुर्ग जिले से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि उसके छोटे छोटे बच्चे, सरकार तो कोई सूद नहीं ले रहा, पहले भी हमारे दो बहन शहीद हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ नहीं किया, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ लेवल से सभी बहने पैसा इकट्ठा करके उस बहन के लिए भी हमने सहयोग राशि किए और आज भी हम सभी बहने ने आज हड़ताल स्थल पर सभी बहने ने झोली फैलाकर हम सभी बहनों ने उसके सहयोग के लिए यह राशि इकट्ठा किए हैं और उस राशि को हम लोग उस परिवार को सहयोग के लिए देंगे। और हम लोगों ने पूरा अपील किए हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ लेवल पे हमारे प्रांतीय आह्वान पे जो लीडर है उन लोगों को भी हम बहने को संदेश दिए हैं कि सभी जगह से हमारी बहनों के लिए सहयोग राशि आए और उस परिवार को हम सहयोग दे सके। और वो सरकार तो अंधा है, बहरा है, कुछ भी सुन ही नहीं रहा है, इतनों दिनों से बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस जो घटना हुआ है उस पे यह सरकार जिम्मेदार है। बहरहाल देखना होगा कि आंगनबाड़ी सहायिका व कार्यकर्ता संघ के बैनर तले जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसका कितना असर राज्य सरकार पर कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।